जो जेएनयू के अंदर जो टेंशन बनी पड़ी है और जिस तरीके की पुलिस के हमले हुए उसके बारे में हमने उनको अवगत करवाया कि ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है और इस तरीके से पूरी यूनिवर्सिटी को ही आप एक देशद्रोही एक छाप लगाकर उसके ऊपर ये कार्रवाई जो कर रहे हो, ये इमरजेंसी में जो हुआ उससे भी बदतर हो रहा है। जब हम छात्र थे जेएनयू में, इसी तरीके से पुलिस सभी हॉस्टलों में आकर वहां पर गिरफ्तारी की बात जो कर रही है, जो आज का सिलसिला चल रहा है। और ये कहना कि जेएनयू के छात्र जो है देशद्रोही है, हम समझते हैं कि कोई भी आज के दिन इस बात को स्वीकार करने वाला है नहीं। देश के सबसे उच्चतम पदाधिकारी को लीजिए, आपके फॉरेन सेक्रेटरी हो या आपके आईबी के चीफ्स रहे हैं, जो आपके जो लोग हैं, ये सब जेएनयू से, जितने आईएएस ऑफिसर आईएफएस ऑफिसर आपको मिलेंगे ये सब जेएनयू से आए। तो ऐसे यूनिवर्सिटी के ऊपर और उनके छात्र समुदाय के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना ये बिल्कुल गलत है। हमने कहा हमारी शंका, हाल ही में नया वाइस चांसलर को अपॉइंट किया गया, उस वाइस चांसलर ने जो इजाजत दी पुलिस को कि किसी भी समय वो आकर एक्शन ले सकते यूनिवर्सिटी में, हम समझते हैं कि ये इस सरकार की अपॉइंटेड वाइस चांसलर का इस तरीके से हिफाजत देना, ये सिलसिला हम देख रहे हैं देश के कई सारे यूनिवर्सिटियों में। वाइस चांसलर बदल देते हैं, नए वाइस चांसलर उनकी मनमानी लगाते हैं और उनके चलते हुए हैदराबाद यूनिवर्सिटी में देखा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अब जेएनयू में देख रहे हो आप। इस तरीके से उनकी जो विचारधारा है आरएसएस की, उसको लागू करवाने के लिए उच्चतम शिक्षा के संस्थाओं के ऊपर इस तरीके का हमला जो हो रहा है, इसका विरोध हमने प्रकट किया आज गृह मंत्री जी के साथ। और उन्होंने यही आश्वासन हम सबको दी कि कोई निर्दोष आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब अगर ये बात उनकी आश्वासन को मानते हुए हमने कहा, अगर ये बात सही है तो अभी जो छात्र संघ का अध्यक्ष है जो गिरफ्तार है कन्हैया, उस कन्हैया को आप इमीडिएटली रिलीज करवाइए। तो पुलिस कमिश्नर को बुलवाकर उनसे पूरी जांच लेकर करके उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर वो कार्रवाई करने की आश्वासन गृहमंत्री ने दी। पुलिस और सरकार ने एक सूची जारी की 20 लोगों की, जिसके अंदर ये 20 लोगों को जिसको गिरफ्तार करना है, जिनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा हुआ है, ये 20 लोग आपको वो वीडियो में नारे लगाते हुए नजर नहीं आते। ये 20 है आपके वहां के छात्र आंदोलन के नेता और वो छात्र संघ के पदाधिकारी। तो ये नारे लगाना देश के खिलाफ और इन लोग जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, यही हमने समझाया गृहमंत्री को कि ये दोनों एकदम अलग। जिस सूची में नाम दिए हैं उसके अंदर कॉमरेड राजा की बेटी का भी नाम है। अब जो लोग नारे दे रहे हो वो अलग है, लेकिन इसको बहाना बनाकर इस्तेमाल कर रही है सरकार कि वो उच्चतम शिक्षा संस्थाओं के अंदर हस्तक्षेप करके वहां पर उनकी आरएसएस की जो सिद्धांत है उसके अनुकूल काम करने के लिए, ये एक पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी के ऑटोनॉमी के ऊपर ही एक बहुत बड़ा हमला है। जो असली बात आपने इस्तेमाल किया, साबित करिए ना, हम कह रहे हैं साबित करिए। वो जो भी आप कह रहे हो टेप के आधार पर ये हो रहा है, उस टेप की ऑथेंटिसिटी क्या है? कौन दिया? जेएनयू के अंदर कोई आपके ये कैमराज नहीं है, आपके जो इंटीग्रल कैमराज है, तो ये टेप मिली कहाँ से? किसका है सृष्टि? ये क्या ऑथेंटिक है कि नहीं है? देशद्रोही जो भी है उनके ऊपर कार्रवाई लो। उसके अंदर वामपंथी लोग, कम्युनिस्ट लोग, जनता दल, आपके जेडीयू, ऐसे लोग हर समय सामने रहे हैं। फुटेज बताइए ना भाई, वो फुटेज में ये 20 लोगों की सूची तो दी, उनमें से कोई है?